अब बात करेंगे मोदी सरकार के एक और मास्टर स्ट्रोक की। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है। आम चुनाव से पहले ही देश भर में बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है। समान नागरिक संहिता कानून लागू करके केंद्र की मोदी सरकार एक और अपना संकल्प पूरा करने की ओर बढ़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस देशव्यापी कानून को बनाने में उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट मददगार बनेगा। रिपोर्ट देखें। क्या लोकसभा चुनाव से पहले देश में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी? जी हाँ, इस बड़े सवाल का जवाब जल्द ही मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। मोदी सरकार अपना एक और संकल्प पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट फाइनल स्टेज में है। उम्मीद जताई जा रही है कि 30 जून तक कमेटी सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी। केंद्र सरकार को उत्तराखंड की यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी कानून का इंतजार है। भाजपा ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि वो राज्य में यूसीसी लागू करेगी। चुनाव में जीत के बाद सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाने में देर नहीं लगाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दावा कर चुके हैं कि ये कानून देश के लिए नजीर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट सहित कई अदालतें भी वक्त वक्त पर देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत बता चुकी हैं। आसान भाषा में समान नागरिक संहिता का मतलब धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर उठकर देश में एक समान कानून लागू करना होता है। समान नागरिक संहिता लागू हो जाने के बाद पूरे देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद जैसे सामाजिक मुद्दे सभी एक समान कानून के तहत आ जाते हैं। इससे धर्म के आधार पर कोई अलग कोर्ट या अलग व्यवस्था नहीं होती। समान नागरिक संहिता की अवधारणा है कि इससे सभी के लिए कानून में एक समानता से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से राजनीति में सुधार की उम्मीद है। CAA, राम मंदिर, धारा 370 और ट्रिपल तलाक के बाद मोदी सरकार का ये एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम बदलने की मांग उठ रही है। मशहूर गीतकार लेखक मनोज मुंतशिर ने सीएम शिवराज से भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग की और इस पर सियासत भी गर्म हो गई। देखिए, आज मध्य प्रदेश पर शिव का राज है। भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल अब नहीं होगा तो कब होगा? भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला की इस मांग पर सियासत गर्मा गई है। मनोज मुंतशिर ने गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान ये मांग रखी। सीएम शिवराज की तारीफ करते हुए मनोज मुंतशिर ने कहा कि आपने एमपी में गुलामी के प्रतीक गिरा दिए। इस्लाम नगर जगदीशपुर हो गया, नसरुल्लागंज भैरुंदा हो गया, हबीबगंज रानी कमलापति स्टेशन हो गया और अब राजा भोज के पावन नगर का नाम भोजपाल होना चाहिए। आज मध्य प्रदेश पर शिव का राज है। भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल अब नहीं होगा तो कब होगा? भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मांग, कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा। विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि नाम बदलने की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से दान की प्रवृत्ति चली जाएगी। नई चीजें बनने की बजाय सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करी जा रही है। वो हमीदिया अस्पताल जिसको किसी ने दान किया, जिसको किसी ने अपनी जगह दी और उसको नाम बदलने से क्या होगा? कल से दान की प्रवृत्ति खत्म। ऐसा इन्होंने महाकाल मंदिर पे किया था। जिन लोगों ने अपने परिजनों के उसके अंदर महाकाल में कमरे बनवाए थे उनके कमरे तोड़ दिए। आज वो भी परिजन परेशान है कि हमने इसलिए हमारे परिवारों ने दिया था कि वो नाम चले। ये दान की प्रवृत्ति को खत्म कर रहे हैं। आगे लोग दान करने से सोचेंगे और ये घृणा और नफरत वाले लोग मूल मुद्दों पे बात करें। मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर है, बेरोजगारी में नंबर एक है, यहाँ पे रोज कर्जा लिया जा रहा है, इसके ऊपर चर्चा करें। कैसे किसान को न्याय मिले, कैसे गरीब को, ये मुद्दा मध्य प्रदेश का नहीं, सिर्फ कैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटके। कांग्रेस नाम बदलने को मुद्दे से भटकाने की कोशिश बताती है, नाम पर सियासत का आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी मनोज मुंतशिर के इस मांग के समर्थन में। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि भोपाल का नाम बदलने का प्रस्ताव पहले भी आया था लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। ये ऐसा पहले भी प्रस्ताव आया था पर उस समय की कांग्रेस की सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। मैंने ही ये प्रस्ताव सबसे पहले रखा था कि भोपाल का नाम भोजपाल किया जाए
पर कांग्रेस की सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब आगे देंगे। नाम बदले पर देश में लंबे समय से सियासत जारी है। एमपी में भी कई जगहों के नाम बदले गए हैं और अब मनोज मुंतशिर शुक्ला ने भोपाल का नाम बदलने की मांग रख दी है। इस पर सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। भोपाल से न्यूज 18 के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।